आपका पढ़ाई लिखाई वहीं हुआ, अमेरिका में? हाँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ सपनों की दुनिया से आए हुए मेरे कुछ मित्रों से। जी हाँ दोस्तों, उनसे मिल करके आपको जरूर खुशी होगी और आपको बहुत ही कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, अब उनसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग एकत्रित हैं, सब बैठे हुए हैं और यहीं पर हम लोग देखेंगे कि हमारे बीच में कुछ अमेरिका से आए हुए हैं, अमेरिका में रहते हैं। हमारे लिए तो सपनों का देश लगता है अमेरिका, लेकिन हमारे बीच में अमेरिका से आए हुए हैं। आइए हम लोग उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब पहली बार आप अमेरिका गए तो आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं 31 मई 2006 को वहाँ पहुँचा था, और उसके बाद जब 1 जून हुआ, मैं शाम को 6 बजे बाहर निकला, तो मेरे को लगा कि अच्छा सन है। 7 बजे भी सन देखा, जब 8 बजे भी सन देखा तो मैं अंदर जाके वॉल क्लॉक देख रहा हूँ कि मैं घड़ी तो गलत नहीं देख रहा हूँ। फिर 9 o'clock भी सन था, तो मैं सरप्राइज था कि 9 बजे तक वहाँ मतलब सन ही होता है। आजकल तो रहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा। हाँ, आप तो बहुत अच्छा है, वो तो रहने के लिए बहुत ही बेस्ट है। वहाँ का भाषा वगैरह वहाँ का, हाँ हाँ हाँ, सब वहाँ का मतलब अच्छा। एक बार जो वहाँ रह गया साल दो हाँ, साल उसके बाद तो पहले से अमेरिका में रह रहे हैं। वेशभूषा आपका फेस बिल्कुल इंडियन जैसे बिल्कुल नहीं लग रहा है। आपका पढ़ाई लिखाई वहीं हुआ अमेरिका में? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरी मम्मी पापा भी अमेरिका में ही रहते हैं? हाँ। अच्छा, मेरे फैमिली के सभी वहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीशा चौधरी है। अनीशा चौधरी, आप अमेरिका में ही रहते हैं? हाँ, मैं अमेरिका में बोर्न हुई हूँ। अच्छा, अभी वहीं पढ़ाई चल रहा है? हाँ। वहाँ बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई? हाँ, वहाँ सब अच्छा है। अच्छा, अभी इंडिया आते हैं तो आपको कैसा लगता है? यहाँ रहने का मन करता है कि नहीं करता? मैं अमेरिका में यूज्ड हो गई हूँ, तो अमेरिका ही रहने के लिए अच्छा लगता है, पर इंडिया विजिट करने अच्छा लगता है, सब डिफरेंट लगता है यहाँ। अमेरिका तो एकदम साफ सुथरा देश है, यहाँ आप देखते हैं सड़क को गली को, तो कैसे लगता है? तो वियर्ड लगता है। हाँ, क्यों सब गंदा यूज्ड टू नहीं है ना, अमेरिका में ऐसा नहीं रहता है तो। हाँ, और फिर जो सब काउज और एनिमल्स रोड पे रहते हैं वहाँ, वैसे अमेरिका में नहीं है ना। 9th grade। हाँ। की कियांस? यस, कियांस चौधरी। बिल्कुल अमेरिकन बॉय लग रहा है। कियांस चौधरी, हाय बोल दो बेटा, हाय। ये सनाया, ये आपका नाम बताओ बेटा? सनाया चौधरी। अच्छा, अमेरिका में रहते हैं लेकिन हिंदी तो बात कर लेते हैं? हाँ। आपको हिंदी बोलने को सिखाया? मुझे मम्मी पापा। हाँ। अमेरिका में तो कोई हिंदी बोलता नहीं है ना? नहीं, पर घर में बोलते हैं, घर में बातचीत करते हैं। क्लास में पढ़ रही हैं आप? फोर्थ क्लास में। तो यहाँ कैसा लगता है, जब यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ कैसे लगता है? अच्छा। अच्छा लगता है? बाहर बड़े मार्केट वगैरह घूमते हैं तो कैसे लगता है? अच्छा। अच्छा लगता है? अमेरिका में तो ऐसे गांव है ही नहीं, इस टाइप के गांव अमेरिका में मिलते ही नहीं। अच्छा लगता है? दादाजी के घर है ना, उसी अच्छा लगता है। मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। आप भी अमेरिका में रहते हैं? मैं तो इंडिया में रहता हूँ, अमेरिका जाता हूँ घूमने के लिए। मैं आते जाते हैं। हाँ, आते जाते रहते हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ रहते हैं कुछ दिन, वहाँ रहते हैं, दोनों जगह? हाँ, दोनों जगह रहते हैं। अच्छा लगता है वहाँ का। हाँ। इंडिया, अमेरिका तो अमेरिका ही है। सही बात, वहाँ शुद्धि वातावरण रहन सहन, वहाँ खान पान सब बहुत ही अलग है, बहुत अच्छा लगता है। ये अमेरिका ठीक है वैसे। हाँ। अपना इंडिया भी बहुत महान है। हाँ। लेकिन घूमने की जगह इंडिया ही है, अमेरिका। हाँ। में कुछ नहीं है घूमने की जगह। हाँ। जो यहाँ है। आप कहाँ रहते हैं? हम धनबाद में रहते हैं। धनबाद में रहते हैं।
हाँ बहुत साल छोटे हो गए आपके? मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। अच्छा, दोनों बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ जी, आए हैं ना, एक आइए आइए मेरा बेटा। अच्छा, हाँ आ जाओ, कम आर्ची। क्या नाम है बेटा आपका? आयन। आयन गुप्ता। आयन 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 गुप्ता। आयन आयन गुप्ता। आयन इनकी बेटी। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आर्ची गुप्ता। अच्छा, आप धनबाद में रहते हैं ना? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? सेवन। सेवन। हाँ। इंग्लिश में क्या पढ़ रही हैं? या। अच्छा, मम्मी का भी ले लीजिए, मम्मी भी अमेरिका की। मेरी मम्मी भी अमेरिका की है। इनका इलाज वगैरह कैसा हुआ वो पूछिए, इतना भी इलाज हुआ है। आप भी अमेरिका में रहते हैं? इंडिया में जो रहते हैं, अमेरिका में 2013 में ऑपरेशन हुआ है, अच्छा हुआ, वहाँ कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, सब अभी अच्छा है। 2013 में अभी 10 चल रहा है, 10 साल हो गया। अच्छा अच्छा, आपका ठीक हो गया वहाँ पर? हाँ सब ठीक हो गया। देखिए दीदी के जीभ में कैंसर हो गया था, लेकिन अमेरिका में जो है वो जीभ को काट करके अलग कर दिया गया और कैंसर को फेंक दिया गया और उसके जगह में दूसरा जीभ लगाया गया और बता रहे हैं कि इलाज वहाँ बिल्कुल फ्री हुआ बिना पैसे का। और 10 साल हो गया? 10 साल हो गया। स्वस्थ है? स्वस्थ है, आराम है इनको। मेडिसिन नहीं ली है? हाँ, दवाई वही कुछ नहीं ले रही बता रहे हैं, बहुत अच्छा है। चलिए, हाँ हाँ लगता है, यहाँ तो इलाज ही नहीं हो पाता हमारे इंडिया में, तो वहाँ तो बहुत अच्छा इलाज हो गया। चलिए अभी बताइए आप कहाँ रहते हैं अभी? मैं बिलासपुर में रहती हूँ। बिलासपुर में रहते हैं? दो लड़के हैं मेरे, दोनों कॉलेज में हैं। हाँ, कॉलेज में दोनों लड़के हैं। हाँ, कॉलेज में आए हैं? नहीं, बड़ा वाला आया है। अच्छा, प्रियांशु कॉलेज में है? हेलो। हाँ। अच्छा, मेरा नाम प्रियांशु। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट है आपको? मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, बीकॉम कंप्लीट कर लियो। अच्छा अच्छा, अभी एमबीए के लिए प्रिपेयर। अच्छा, यू जाने के लिए। हां, अच्छा अच्छा, फिर से अगेन करना है? हां, चला गया। तैयारी कर रहा हूं? हां तैयारी कर रहा हूं। सब मामा लोग मिल गए तो बढ़िया चांस है। जी जी, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहा है? हाँ, पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छे से कर रहा हूँ। मैं यही तपकरा में रहती हूँ। आप बाबू कहाँ हैं? मेरी एक बेटी है, प्यारी सी है, गुड़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, एंजल है, एंजल जैसी है ये। है एंजल बिल्कुल, है ना, स्वर्गदूत है ना? हाँ हाँ, ये स्वर्गदूत। हाय बोलो बेटा एंजल। हाय। हाय, देखो ऊपर, सामने देखो ऊपर। हाय। आपका बोलिए क्या नाम है आपका? एंजल। एंजल, एंजल नाम है। स्कूल जाती है बेटा? हाँ। कहाँ जाते हो बता दो, मिशन में? ज्ञानोदय। ज्ञानोदय। कौन सा स्कूल में हो? KG2 में। KG2 में है? KG2 में है, 4 years की है। चलिए, थैंक यू।